गुड मॉर्निंग पिला माने, आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास बहर मोगल शासन विषय पढ़ुचे। पूर्व श्रेणी में आम मोगल साम्राज्य विस्तार विषय पढ़ी सारीचे, अकबर राज्य शासन आ राज्य विस्तार विषय पढ़ीचे। एवं आम अकबर शासन विषय पढ़वा। आम जाचे अकबर जड़े राज्य प्रजामंगलकारी राजा थे। प्रजामंगलकारी मान कौन ना जो राजा प्रजा मानक उन्नति एवं प्रजा मानक मंगल पाई राज्य शासन करें राज्य प्रजामंगलकारी राजा बोली कही था। अकबर मध्य जड़े प्रजामंगलकारी राजा थे। तो सीता निज साम्राज्य को निजर सुनियंत्रित करने से निजे सेना बाहन मुख्य और सर्वोच्च न्यायाधीश भाव में निजक निजुक्ति करते सहित सी शासन सर्वोच्च कर्ता निज साम्राज्य को सुनियंत्रित करने से शासन व्यवस्था को विभिन्न विभाग में विभक्त करते जेपरी दीवान हूँ अर्थ विभाग बक्सी हूँ सैन्य विभाग काजी हूँ आईन और विचार विभाग डाक चौकीदारगा हूँ डाक और गुप्तचारी विभाग पिलामाने आम मैंने भी देखुचे वर्तमान आम देश आम राज्य शासन हो बा आम देशर शासन भाई हो शासन को सुनियंत्रित करने बा सुविधापी आम कौन करुचे ना विभिन्न विभाग में आम विभक्त करुचे जमीक शिक्षा विभाग आमर स्वास्थ्य विभाग अर्थ विभाग सैन्य विभाग सब विभाग हूँ ठीक से हीपरि अकबर मध्य निज साम्राज्य शासन को सुपरिचालना करने यही विभाग में विभक्त करते निजे थे सैन्य और न्याय विभाग मुख्य भाव में निजक निजुक्ति करते अकबर निजर साम्राज्य को 15 सुबा बा प्रदेश में विभक्त करते सुबा गुड़िका केते गुड़े जिला बा सरकार द्वारा सरकार व जिले में विभक्त होता एवं प्रत्येक जिला अनेक गुड़े प्रगण में विभक्त होता आ प्रगणा गुड़िक कौरे क्या नहीं समष्टि होता ना केते गुड़े ग्राम को नहीं प्रगणा तैयारी होता अकबर साम्राज्य 15 सुबा जा प्रदेश सुबा बा प्रदेश रे विभक्त होता आउ प्रदेश गुड़िक सरकार बा जिले रे विभक्त होता आउ केते गुड़िए जिला केते गुड़िए प्रगण रे विभक्ति होता आउ प्रगणा गुड़िक केते गुड़िए ग्राम रे समष्टि रे होता तो अकबर कौन करते दुईटी सूत्र रु अर्थ आदाय करुले गोटे हूँ वाणिज्य कर आकार आदाय करते आउ गोटे हूँ भू राजस्व करके करुले दुईटी सूत्र रु आदाय करते भू राजस्व आउ गोटे हूँ वाणिज्य कर करके अर्थ राजकोष भरुले तो राजा तोड़र मल्ल थे भू राजस्व दायित्व रही थे तो से समस्त जमी को माप करना से उत्पादित शस्य अर्थ आकार एक तृतीयांश प्रजा मान कर आकार पड़ा तापर सैन्य विभाग को अकबर शक्तिशाली करने अकबर मनसवादी प्रथा प्रचलन करते मनसब्दारी मनसब्द अर्थ हूँ जड़े व्यक्ति जहाँ हाथ में सैन्य बाहन मानने अधीन किसी संख्यक सैन्य सैनिक रोते जन मानने गोटे जन व्यक्ति जहाँ अधीन बहुत गुड़े सैनिक रोते आम मनसब कहू तो सैन्य बाहन को सुदृढ़ करने से मनसब्दारी प्रथा प्रचलन करते तो ये कौन क्यों मैंने निजुक्ति होते ना कर्मचारी सामंत मान सेनापति मान को यही पदवी मिलूला तो मान मनस अकबर मनसब्दारी को 33 भाग रे विभाग रे विभक्त करते 33 टी विभाग रे विभक्त करते प्रत्येक विभाग रे 5,000 रु 10,000 सैनिक रोते तेणु यही भाव में अकबर निजर शासन सुपरिचालना करुले विभिन्न विभाग विभक्त करते पुणी साम्राज्य को केते गुड़े विभाग में विभक्त करते दायित्व को केते भाग में विभक्त करते निजर सैन्य बाहन को मध्य 33 टी विभाग में विभक्त कर प्रत्येक विभाग में 5 रु 10 हजार सैनिक रखुले ये थी अकबर शासन तापर पढ़ा आम अकबर धर्मनीति। तो
तो अकबर तंकर उदार धर्म नीति पई इतिहास प्रसिद्ध इतिहास जानिछि अकबर को उदार धर्म नीति पई काहेकि ना अकबर सब बेले चाहुतिले हिंदू मुसलमान को भितरे भेदभाव दूर करिया पई सब बेले तंकर एही चेष्टा थिला अकबर हिंदू मान कोठु जिजिया और तीर्थकर उठाई देथिले एभळी कि अकबर जणे मुसलमान हेले मध्ये बेले बेले हिंदू मान को भरी वेश पोशाक परिधान करुथिले हिंदू मान को पर्व रे मध्ये योगदान करुथिले एवं अनेक गुड़े मंदिर से निर्मित करते अकबर भारत सर्वजनीन धर्म प्रतिष्ठा करने बहुत चेष्टा करते अकबर से आमर फतेहपुर सिक्री ठारे 1575 ख्रीटाब्दी फतेहपुर सिक्री जोटा कि आग्रा निकटवर्ती सेठे गोटे इबादत खाँ बोलिकिना गोटे उपासना गृह निर्माण करते आ उपासना गृह कौन हो पारसी ब्राह्मण पारसी पंडित मैंने हिंदू पंडित मैंने मुसलमान पंडित मैंने संस्कृत पंडित मैंने ये ख्रीटर पंडित मैंने जैन धर्म पंडित मैंने सब ज्ञानीगुणी लोक मानक स्थान दिहला से सब ज्ञानीगुणी लोक मैंने कौन करते सबू धर्म विषय चर्चा करके अकबर कौन करते सब धर्म गोटे सार कथा काढ़ गोटे निजे नूतन धर्मटे सृष्टि कले जहाँकि हिंदू नुहे हिंदू धर्म नुहे कि मुसलमान धर्म नुहे कि ख्रीष्ट धर्म नुहे कि जैन धर्म नुहे सब धर्मर सार कथाटे रखी थे से धर्म ना रखी थे कौन ना दिन इल्ही ता ना रखी थे दिन इल्ही या अर्थ पे कौन जान दिनि इलिही धर्मर अर्थ होची स्वर्गीय विश्वास यह कौन सी धर्म उपरे विश्वास रखेनी ये स्वर्ग स्वर्गीय चिंताधारा उपरे विश्वास रखि थाए अकबर कहारी को बाध्य करनथले जे जबरदस्ती करनथले जे एही धर्म को ग्रहण कर किंतु से कौन सी गोटे स्वतंत्र धर्म को ग्रहण करिया को पसंद करनथले सब धर्म को मिसे गोटे स्वतंत्र निजे गोटे धर्म आरंभ करथले जार ना थिला दिन इल्ही ये थिला अकबरकर धर्म नीति कथा तापर आमे अकबरकर कला स्थापत्य विषय पढ़ा तो अकबर कला साहित्य कला और साहित्य बहुत उन्नति साधित करते जो ये जमी आग्रा निकटवर्ती फतेहपुर सिक्री तुम जो इब्दत खाँ बोली गोटे उपासना गृह देखु सेमती तुम देखा भूल जाइए इब्दत खाँ उपासना गृह सेमती सीठे गोटे मानते अकबर निजर गोटे बढ़िया बासस्थानटे फतेहपुर सिक्री ठारे करते जोटा कि पूरा लाल पथर से निर्मित होता आउ कौन करते ना बुलंद दरवाजा बोलिकर से राजभवन आगे गोटे विराट बड़ गेट करते जहाँ को कहते कौन ना विशाल फाटकटे निर्माण करते देखिए ये जोटा कि नाल पथर से राजपथ प्रसाद पूर्व पड़े निर्मित होता जार कला स्थापित अत्यंत आकर्षणीय तो अकबर थे संस्कृत आरब पारसी हिंदी साहित्यर बहुत प्रसार प्रसार करते पारसी थी राजभाषा जेहेतु से पारस रु फेरी तेणु तर पारसी थी राजभाषा आउ राजभवन दरबार बहुत पंडित रोते से मध्यरु अबुल फजल अन्यतम थे जिकि अकबर नामा आउ आईन इ अकबरी बोलिकिना दुईट पुस्तक रचना करते किए अबुल फजल तो से अकबर को दरबार में स्थान पाई अकबर महाभारत और रामायण को पारसी भाषा स्थान पाई तुलसीदास अकबर को समसामयिक थे जिकि कौन लिखी थे रामचरित मानस तुलसीदास हिंदी भाषा रचना करते तानसेन बोली जन संगीतज्ञ बहुत विशिष्ट संगीतज्ञ जिकि अकबर को दरबार में स्थान पाई परिशेष 1605 ख्रीटाब्दी अकबर मृत्युवरण होता पर क्लास रे आमे अकबर पुत्र जहांगीर विषय पढ़ा धन्यवाद।